Good evening, friends. I am Dr. Liaquat, your host for today evening, and it's a great honor and pleasure for me that my Guruji is here as a speaker today. It's our 51st session of the Guruji Ke Saath Guruvar that we started last year in June, and we crossed 50 sessions, friends. And we didn't even realize that we crossed 50. And today is the 51st session. We were going to ask Dr. Gupta sir in the 50th session itself, but I thought it will become too much of crowd. So today he doesn't need any introduction. But still, I have few things to share about sir. Sir has worked with senior Dr. Sehgal sir. Sir conducts CPPs and many seminars, and his articles in Odesapere and other places are something to be learned. So today, friends, Dr. Narendra Gupta ji, our sir, is going to share cases, and you will see that how simply you can make rubrics, you can use rubrics from the simple talks of the patient and their small gestures, and how to narrow down the case to simple rubrics is what I have learned from sir, and that's what I want everybody to learn from him. Again, I'm requesting everybody to kindly mute. If I see that your phone gets unmuted, I'm sorry, I'll have to remove you from the class. So over to you, sir, without wasting much time. हेलो सर, आपका फोन आपका अनम्यूट कर दीजिए सर. हेलो एवरीवन, ये आपका 100 का बैच होगा मेरे को लगता है. हाँ सर, 100 का बैच. अच्छा, मैक्सिमम 100 लोग ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक जी सर जी. तो अभी मुझे नहीं पता आप लोग कितने अभी कितना जानते हो कितना नहीं जानते हो, तो क्योंकि किसी से भी मेरा इंटरेक्शन नहीं है, तो जो भी मैं केस दिखाऊंगा फिर वो अपने हिसाब से ही दिखाऊंगा. तो उम्मीद है कि तुम लोग नए लोग भी थोड़ा थोड़ा सा समझ पाओगे, पुराने लोग तो अच्छे से समझ पाएंगे, नए भी समझ पाएंगे, तो कम से कम एक क्यूरियोसिटी आपको आ जाएगी कि ये मेथड कितना सुपर फास्ट है और कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं इसमें, और सीखना भी आसान है इसे. तो हम डायरेक्ट अब मेरे को लगता है केस पे चालू करें. ठीक है, तो मैंने जो ये केस रिकॉर्ड किया था, ये मेरे पुराने पेशेंट हैं, पुरानी फैमिली, लगभग 20-25 साल पुराने. तो ये टेलीफोन पे केस लिया गया, मतलब आजकल सारा मेरा ऑनलाइन का जमाना है, क्योंकि आजकल सारा मेरा जो कंसल्टेशन होता है वो ऑनलाइन होता है, या तो फोन पे कॉलिंग होती है या फिर फोन पे वीडियो कॉलिंग होती है. बहुत रेयरली कोई पेशेंट घर पे आता है, यानी क्लिनिक पे आता है. तो ये भी मैंने टेलीफोन पे ही लिया हुआ केस है, और आगे जो फ्यूचर है आपकी प्रैक्टिस का वो सारा ऑनलाइन होने जा रहा है. अगर आप ऑनलाइन नहीं सीख पाओगे केसेस लेना, तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ये समझ लो आप. ऑफलाइन प्रैक्टिस का जमाना धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, और आपका प्रैक्टिस फिर गली मोहल्ले तक ही रह जाएगी, चाहे आप कितने ही अच्छे डॉक्टर हो. तो इसलिए मैं आपको एक ये टेलीफोन वाला केस दिखा रहा हूं. अब हम जब लोग टेलीफोन पे केस लेते हैं, तो वो बहुत अच्छी कहना चाहिए, आवाज जो होती है पेशेंट की बहुत बार अच्छी नहीं आती, खड़खड़ आती है, कभी कम सुनाई देती है, तो उसको टेलीफोन वाले केस को प्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है. पर आप लोगों की जो सुविधा के लिए मैंने उसको जो कुछ पेशेंट ने बोला है उसको स्क्रीन पर लिख दिया है, क्योंकि मैं डायरेक्ट पेशेंट की आवाज सुनवाऊंगा आपको. तो वो अगर आपको कोई शब्द नहीं समझ आ रहा है तो आप स्क्रीन पे उसको पढ़ सकते हैं. फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो जो भी होस्ट है इनके, तो वो पॉज करके मतलब कम्युनिकेट करें, ताकि मैं पॉज करके उसको बता सकूं क्या है. ठीक है जी सर. तो मैं समझता हूँ डायरेक्ट आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. तो अभी मैं केस का ना इंट्रोडक्शन आपको सुनवाता हूँ,
क्योंकि इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी होता है। पेशेंट का बैकग्राउंड अगर हमको मालूम होता है तो प्रिस्क्रिप्शन करना हमारे लिए इजी होता है। अगर बिल्कुल एब्सोल्युटली नया पेशेंट होगा जिसको हम बिल्कुल कभी भी नहीं जान मिले हैं आज तक, तो उसमें थोड़ा उसको समझने में हमें ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए मैं केस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल ये नया बंदा है जो भी इलाज ले रहा है। अब ये वाला सुनो ना, ये पेशेंट की आवाज है, ठीक है? यहां से चालू करता हूं मैं इसको। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आ रही है सर। हाँ सर, अभी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, स्क्रीन दिख रही है। तो ये पेशेंट, इसके अंदर पेशेंट बोलेगी। हेलो, उसको से बात करा, बात नहीं कर सकते क्या? हाँ जी, नहीं कर सकती है सर, उन्हीं से बात करो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बताओ। जय श्री माता जी। डॉक्टर, मेरे को लग रहा है मेरी तबियत पे ना आ जाए, बहुत ही मतलब ओवरवेल्म्ड हो रही होती हूँ, मैं संभल नहीं रहा, अपने आप को नहीं संभाल पा रहा। मतलब तबियत ना खराब हो जाए, ये कह रही हो? मुझे ना हार्ट में ऐसा लग रहा है, मुझे हल्की 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 सी दर्द हो रही है। हार्ट में हल्की हल्की दर्द हो रही है? हाँ। और कल जैसे मुझे सारा दिन खाना भी नहीं खाया गया, अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है, 28 तारीख को मम्मी गई है, अचानक गई थी, बहुत बड़ा शॉक हुआ था। मतलब मैं सुबह ही मिल पर आई हूँ, 3 दिन उनके पास रहने गई थी, वैसे ही थोड़ा दिन थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए गई थी। पीछे उनकी तबियत अक्टूबर में खराब हुई थी, तब से मैंने सोचा एक बार देखा हूँ मम्मी को, इसलिए चली गई थी। बिल्कुल ठीक थी, कुछ भी नहीं था। मैं सुबह बस छोड़ के आई हूँ, मुझे बाहर तक छोड़ के गई है, बाय करके गई है। शाम को लेट इवनिंग उनकी कब चली गई हूँ पता ही नहीं चला, बाथरूम में गिरी हुई मिली थी बस। अच्छा, बिल्कुल ठीक ठाक छोड़ के आई थी। मतलब इतना सब मुझे अननेसेसरी लगता तो मैं जाती नहीं वापस। भाई भी मुझे छोड़ने आया था, वो भी यहाँ पर था दिल्ली में, तो पापा और भाभी ने देखा, उन्होंने फोन किया, तो हम लोग भाग गए उधर से। आगे की फैमिली मतलब इसकी आवाज कुछ समझ आपको समझ आ रहा है? आवाज तो बहुत अच्छी नहीं आएगी इसमें, पर ये लिखा हुआ पता लग जाएगा आपको। हाँ सर जी, सर जी, हाँ ये, क्योंकि इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, अगर है तो कुछ वॉल्यूम रिड्यूस करके शायद कुछ बात बन जाए। ठीक है, ठीक है, ये आपको सुनाई समझ आ रहा है ना केस? हाँ सर, सही है। सिचुएशन ये हो गई कि जब मुझे पता लगा तो मेरी पूरी बॉडी एक बार ऐसे हो गई, जाम हो गई थी। मतलब उस वक्त की बात कर रहे हो आप? हाँ जी, उस समय की बात कर रहे हो आप? हाँ जी। तो एक्चुअली शॉक बहुत बड़ा था मेरे लिए, क्योंकि मैं सुबह बिल्कुल ठीक ठाक छोड़ के अच्छी भली छोड़ के आई थी मम्मी को, काफी इम्प्रूवमेंट, और चलती फिरती हंसती खेलती, कोई दिक्कत नहीं थी, सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं उतर रही हैं, फर्स्ट क्लास थी मम्मी। अब मेरे को शौक इतना बड़ा हो गया है ना लोग सब, और मम्मी मेरी लाइफ का कांस्टेंट है, मेरी मम्मी से रेगुलर बात होती थी, इमोशनली मेरे साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड, जाने के टाइम पे मुझे इतने गिफ्ट थे कि मम्मी ने भेजे थे, तो मेरे को ना वो अचानक से ये हो जाएगा मेरे को भरोसा नहीं था। मेरे को बिल्कुल भी अभी तक भी मैं उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मम्मी एकदम से ऐसे कैसे छोटे से दिख रहा है, सब पता है, समझ भी रही हूँ, लेकिन मानना नहीं कर रहा। ऐसे लग रहा है मेरी लाइफ में ना बहुत बड़ा एक खाली पत्ता हो गया है, क्योंकि मम्मी मुझे रोज सुबह शाम फोन करती थी, बता लेती थी, दिल की बात माओ से ही कर सकते हैं बेटिया, तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा मैं किससे क्या बात करूँगी, मेरी लाइफ की जैसे आधी रह गई है। आधी आधी रह गई, आधी यहाँ की रह गई, वहां की खत्म हो गई बस। अच्छा, मतलब अभी ये नहीं लग रहा कि अलोन हो गई हूँ मैं, अलोन नहीं लग रहा, ये लग रहा है कम हो गई है। कम हो गई है, अलोन तो फिर तो मेरा साथ देते ही है ना हमेशा। बस यही सा रहा है कि साथ में, और उसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हमें और से मेरे जिंदगी में जितने साथ में पूरी तरीके बात कर लेती थी। अच्छा, मतलब आधा हिस्सा चला गया आपको, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, और फिर वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? हाँ जी।
और क्या कह रहे, दिल पे ना जाए, क्या कह रहे थे अभी तुम? अभी जी कुछ कहा था तुमने शुरू में, मेरे दिल पे ना जाए, पता नहीं क्या कुछ कहा था। दिल के क्या? फोन करने की असली वजह क्या रही कि आपको अभी कुछ बोल रही थी शुरू शुरू में मेरे को? फोन, हाँ वो डॉक्टर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हार्ट पे आ रही है। तो हार्ट में अभी मुझे मेडिटेशन में बैठती हूँ तो नहीं होता, मेरे दिमाग में नींद नहीं आ रही मुझे कई दिनों से, जब से हुआ है उस दिन से मैं रात को लेट से सोती हूँ और अर्ली मेरी नींद खुल जाती है, कुछ घंटे सो बाद में फिर उठ जाती हूँ, कितनी भी थकी हूँ ज्यादा देर नींद नहीं आ रही, भूख भी प्रॉपर नहीं लग रही है। मेरे हार्ट पे ना जाए का क्या मतलब हुआ कि मतलब मेरे को बीमारी ना लग जाए या मेरे हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए? मेरी पत्नी को हार्ट की प्रॉब्लम थी तो मुझे ऐसा फील रहता है कि मुझे भी ना हो जाए। हाँ क्योंकि ये मेरी फैमिली में, मेरी मदर का वॉल्व में लीकेज है जो कि कई साल के बाद अभी 4-5 महीने पहले जब वो बीमार हुई है तो डिटेक्ट हुई है। उसके पहले डॉक्टर ने कहा तो बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, अभी पकड़ी नहीं गई क्योंकि मम्मी ने कभी टेस्ट वेस्ट कराई नहीं थी, बट अब वो ठीक भी थी, दवाइयाँ भी ले रही थी। अब मुझे ऐसे फील आ रहा है कि जैसे मैं कुछ ज्यादा वो उदास हो रही हूँ, रो रही हूँ, या मेरी नींद अर्ली मॉर्निंग खुल रही है, तो मेरे को ना आज सुबह ऐसे फील आ रहा है कि मेरे को हार्ट में ना चेस्ट में थोड़ी थोड़ी पेन हो रही है लेफ्ट साइड पे और सेंटर में, और मेरी आर्म में भी थोड़ा थोड़ा सा ना जैसे कंधा और आर्म भी थोड़ा थोड़ा ऐसे हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कहीं मेरे हार्ट पे ना प्रॉब्लम आ रही है। अब मेरे पास भी बच्चे हैं, घर है संभालने के लिए, मुझे संभालना तो पड़ेगा। मतलब अभी आपको डर लग रहा है कि भाई मतलब संभालना तो पड़ेगा का मतलब, पर संभाल नहीं पा रही हो? हाँ इसलिए आपको तो लगता है कुछ ले लूं मैं? हाँ जी सहारे की जरूरत लग रही है, मतलब कोई दवाई मिल जाए सहारा जिससे कि मैं इसको मेरे जो भी है शौक वॉक जो भी है तो संभाल के स्वस्थ रख सकूं अपने को। हाँ जी है ना, यही कह रही है मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा मतलब लग रहा है कि सब मेरे को कुछ हो गया तो फिर ये भी सब गड़बड़ हो जाएगा बहुत ज्यादा, यही मतलब है ना कुछ हो रहा है? हाँ जी। तो अभी तुम्हारा रोना रुक नहीं रहा? रुकता भी तो फिर आ जाता, फिर आ जाता है तो थोड़ी देर शांत तक। हाँ पर बहुत ज्यादा काम था, चहल पहल थी, घर में आने जाने वाले लोग थे, जितने दिन रही हूँ मम्मी के यहाँ तब भी बार बार रोना आता था, रूम में जाके रोती थी, रात को नींद तो नहीं आ रही है, रोना ही आता बार बार, अब तो रोना रोना आता जाएगा। बहुत उदास हूँ, बहुत ज्यादा। अच्छा चलो अभी मैं आपको दवाई का नाम बता रहा हूँ, अभी करके ठीक है। ये आपने केस सुन लिया, कोई इसमें क्या करना चाहता है इसमें? अब कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, कोई अटेम्प्ट करना चाहता है केस को? हेलो कोई नहीं करना चाहता? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। यस सर। तो अभी केस आपने सुन लिया ना, इसमें तो मेरे को नहीं लगता कुछ पूछना है आपको, तो आप लोग इसमें से सब लोग माइंड मेथड से करते हो तो आपको क्या दवाई दे सकते हो उस मरीज को? किसी ने कुछ डिसाइड किया नहीं किया? कोई नहीं बोल रहा है, क्या चक्कर है? क्या करें बोलो, आगे बोलो। अरे भाई क्या चक्कर है तुम्हारा, बोलो तो सही। सर पेशेंट की माँ माँ की डेट हो गई, उसलिए उसको शॉक लगा। एलिमेंट्स बात है। हाँ बोलो बोलो। एलिमेंट्स फॉर मेंटल शॉक सर, बहुत सदमा। तुम्हारी आवाज बड़ी गूंज रही है, तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है, साफ साफ नहीं आ रही है, कौन बोल रहा है? किसी ने एकोनाइट लिखा है। हाँ एलिमेंट्स फ्रॉम शॉक, एंग्जायटी, चेस्ट पेन विद लाइट डिजायर, एंग्जायटी चेस्ट पेन विद लाइट एलिमेंट आफ्टर डेथ ऑफ नियर वन टू। अच्छा तो ये जम टू
उसको शौक लगने से, अब वो तुम्हारे पास मरीज क्यों आया है? शौक लगने की वजह से आया है या कुछ और वजह है उसको? शौक की वजह से आया या कुछ और वजह है? सर उसको डर लग रहा है कि कहीं उससे भी हार्ट डिजीज ना हो जाए, इसलिए सर वो डॉक्टर पर अप्रोच कर रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, हार्ट डिजीज ना हो जाए, एक तो ये उसका थोड़ा सा वो है, कंसर्न है तो, पर वो इसलिए नहीं आई है। आपने उसको सुना ना, हार्ट डिजीज हो जाएगी तो क्या करेगी, वो वजह है। उसकी फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कौन करेगा, उसको ऐसा लग रहा है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके पास? अपने बच्चों की सर, बच्चों की सर। उसके अपने भी बच्चे हैं, यही तो कहा ना उसने, मेरे अपने भी बच्चे हैं, मेरे पास भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और मुझको लग रहा है कि अब मेरे को ये कुछ हो गया, कंधे में आ रहा है, चेस्ट में आ रहा है, तो उसको मतलब मम्मी को भी था, मुझे भी है, ऐसे कुछ लग रहा है ना उसको, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको बताओ जरा, क्या कहाँ पहुंच, तो ये एकोनाइट में होता है ऐसा? एकोनाइट में होता है ऐसा? ये है मनोज मोहंती साहब हैं, एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन एंड फैमिली, तो इस एक अकेले रूब्रिक से आगे, अभी उसके बच्चों को कुछ नहीं हुआ है, उसके दोनों बच्चे अपने घर में सेफ हैं, सिर्फ इसको हो रहा है, समझ आ रहा है ना, और बच्चों को कुछ नहीं हुआ, बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं घर में, समस्या सिर्फ इसको है, सेल्फ कंट्रोल नहीं रहा एंड सी वांट्स टू हैव हर इमोशनल कंट्रोल। ठीक है, तो इमोशनल कंट्रोल चाहती है तो फिर क्या करें उसके लिए, आप क्या दवाई दोगे और क्यों दोगे, ये दो बात बतानी होती है। देवाशीष ज्ञान, फियर डिजास्टर ऑफ, अच्छा ये हुआ डिजास्टर, और कौन है जलसीमियम, उसका रोना नहीं रुक रहा है, तो नहीं रुक रहा तो फिर इससे क्या नतीजा निकलेंगे, क्या रूब्रिक लेंगे? मम्मी की फॉर्म में चली गई है, हाँ मम्मी की जो सपोर्ट मिलती थी, क्योंकि वो कहती है ना मम्मी एक सहारा होती है, उसी से ही तो बात लेती है, बेटियों के लिए मम्मी ही उनकी दुनिया होती है, ऐसे कहा ना उसने, तो वो चली गई है, तो अब क्या करेंगे उसके लिए, चली गई तो कुछ नहीं समझ आ रहा किसी को भी। फियर मिसफॉर्चून एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, रूपाली पटेल, एलिमेंट केयर एंड वरीज, उसको केयर्स एंड वरीज कहाँ हो रही है? हैं, वो क्या मम्मी की डेथ की वजह से आपके पास आई है क्यों जी? ये प्रीति जी, क्या वो मम्मी की डेथ की वजह से आपके पास आई है? नहीं आई है ना, वो तो अपने लिए आई है, तो उसकी अपनी नीड है, इसका मतलब जिस वजह से वो आपसे दवाई लेना चाहता है इंसान, इसका मतलब है कि इस वक्त वो प्रायोरिटी टॉप पर है उसकी, यानी प्रेजेंट में वो सिम्टम प्रीडोमिनेट कर रहा है, उसको समझना है कि वो क्या मतलब, पुरानी कहानी इधर उधर की नहीं करनी है। ये कौन है सुशी ना वैशाली बर्सकर, एंजाइटी चिल फियर इंजरी, तो इनकी थोड़ी दवाई भी अकेली हो गई, हाँ अकेली हो गई, पर वो अकेली में सहारा नहीं मांग रही है आपसे, एंजाइटी हेल्थ अबाउट, उसके जीवन में खालीपन आ गया, खालीपन नहीं आया है, आधी तो अभी भी है उसके पास, मैंने पूछा भी था उससे कि आपको अकेलापन नहीं आया, इसका मतलब आधा लग रहा है, आधा तो जिंदगी है, मायके की चली गई है, ससुराल की है अभी, क्योंकि पति तो उसकी सब सुनते हैं, उनसे तो वो दिल की बात कर सकती है, तो खाली नहीं हुई है वो, तो ये सपोर्टलेस बीना जायसवाल, फिर इसकी क्या दवाई बनी तीनों की?
तो अभी इसको मुझे नहीं लगता, एक आदमी ने दवाई सही बताई थी, मुझे नहीं पता कौन है वो, एक बंदे ने सही बताई थी दवाई, अभी वो दोबारा बता सकता है कौन है कॉन्फिडेंट बंदा? देखो समझो वो आई क्यों है, एनालाइज करो, समझने की कोशिश करो, हैफेजर्ड नहीं चलना चाहिए। अच्छा ये जो लिख रहे हैं कुसुम जी, फियर हार्ट डिजीज ऑफ, उसको हार्ट डिजीज हो गई तो क्या होगा फिर, उसका दिमाग कहाँ तक जा रहा है, क्या सिर्फ हार्ट डिजीज तक जा रहा है या इससे आगे जा रहा है? सर इससे आगे जा रहा है, उसको लग रहा है उसके बच्चों को कुछ हो जाएगा, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों को लेके, उसके बच्चों को नहीं हो जाएगा, उस वजह से वो कह रही है सर, उसको हो जाएगा, उसको खुद को हो जाएगा उसके बच्चे, तो फिर बच्चों का क्या होगा? समझ आ रहा पॉइंट? वो अपने लिए नहीं आई है, ये लड़का कौन, ये कौन है जो अभी पूछे, रस्टॉक वाला कौन है, ये जरा पीछे करो मधु, ये डॉक्टर मधु है, इसने क्या क्या रूब्रिक लगाया वो थोड़ा सा पीछे करो मधु, ये तो अब ये एंजाइटी चिल्ड्रन, अभी तुम ये डिजायर टू बी हेल्ड नहीं होगा जल सीमेम का हेल्ड डिजायर टू बी रस्टॉक्स होगा सर, रस्टॉक्स फियर सुपरस्टिशियस एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, ये तो तुम तुक्का मार रहे हो, इससे पहले तुमने कुछ और लिखा था, किसने लिखा था अभी, फियर डिजास्टर, ये किसने लिखा था, ये वो ठीक बंदा है, उसको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये मुझे नहीं पता, पर उसने रूब्रिक सही लिया है, बाकी अब उसको देखो उसकी दुनिया कहाँ तक है, ये देखो आप केस को समझने की कोशिश करो, उसकी दुनिया कहाँ तक है, उसका दो दो दुनिया थी, एक मायके में थी और एक ससुराल वाली थी, तो और मायके वाली दुनिया क्योंकि अब मम्मी चली गई है तो वो दुनिया तो उसकी खत्म हो गई, आधी रह गई है, एक पॉइंट तो ये हो गया, पर अभी आधी बाकी है क्योंकि यहाँ पति उसका फुल सपोर्ट करता है, उससे दिल की बात वो कह सकती है, तो वो खाली नहीं हुई है, वो ना सहारा ढूंढ रही है, अभी उसको शौक बहुत जबरदस्त लगा था पर वो शौक की वजह से नहीं आई है, आपको ये समझ लो बात को, वो इसलिए आई है क्योंकि अब उसका रोना नहीं रुक रहा और उसके बाजू में और दिल पे दर्द सा होने लगा है, ये है समस्या, तो अब वो ये नहीं कह रही मेरा दर्द कम कर दो या मेरा रोना कम कर दो, ये उसने नहीं कहा है, ये उसकी डिमांड नहीं है, तो दिल डॉक्टर से कंसल्ट करने की वजह यह है कि अब उस शौक की वजह से मेरी ये हालत हो गई है कि मेरे दिल पे असर आने लगा है, और दिल पे असर आने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि मेरी माँ के भी दिल में छेद था, उसको पता नहीं लगा और वो भी अब अचानक से चली गई है, और मैं बेटी अब मेरे भी दिल की समस्या होने लग गई है, बाजू में चेस्ट के लेफ्ट साइड में दर्द आने लगा है, ये जानती है कि लेफ्ट साइड में दर्द और बाजू तक आने का मतलब है कि हार्ट की प्रॉब्लम, और हार्ट का मतलब डेथ क्योंकि माँ की हुई अभी अभी, तो अगर मैं मर गई, समझ आ रहा पॉइंट, तो मेरे बच्चों का क्या होगा, जिम्मेवारी मेरे ऊपर है सारी, तो यानी सब कुछ तहस नहस हो जाएगा मेरा, तो मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई, क्योंकि मायके वाली तो माँ के साथ खत्म हो गई, यहाँ उसका पति और बच्चे हैं, पर अब बच्चों का ही उसको ज्यादा ख्याल है, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया एक बच्चा ऑटिज्म वाला है 22-23 साल का लड़का, और दूसरी लड़की है वो इससे 1-2 साल छोटी है, वो अपने आप को ट्रांसजेंडर समझती है, उसको मतलब भी समझ ही नहीं आता कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ, और वो सारा दिन इंटरनेट पे ये देखती रहती है कि मैं लड़की हूँ या लड़का, मुझको मेंसेस नहीं चाहिए, तो वो नॉर्मली इससे बात करो तो वो एकदम भड़क के उठती है, वो लड़कों के कपड़े पहनने लग गई है, लंबे बाल बढ़ाती है, क्योंकि एक तरफ उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ, बात करती है वो लड़कों से, तो मतलब एक कंफ्यूजन, दोनों बच्चे खत्म हो गए ना दुनिया, पर फिर भी दोनों बच्चे इसकी आंखों के सामने जिंदा है या पति जिंदा है, तो ये इसकी आधी दुनिया बची हुई है भी, अगर उसको खुद हो गया और उनको यही संभालती है, अगर उसको
कुछ हो गया तो यहाँ ससुराल वाली दुनिया जो उसके बच्चों तक सीमित है ये भी खत्म हो जाएगी, यानी सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर मुझे कुछ हो जाए, ये फीलिंग है। इसको अवॉइड करने के लिए वो आपके पास आई है। समझ आ गया पॉइंट? नहीं आ रहा? जी सर आ गया, सर आ गया, आया ना कुछ कुछ समझ में? तो केस को ऐसे एनालाइज करना है कि उसकी विल अभी क्या है, उसकी इच्छा ये है कि किसी भी तरह से मेरा ये जो हार्ट की समस्या आ रही है जो मुझे मार सकती है, मेरे परिवार को तहस नहस कर देगी, इसको रोको, इसलिए आई है वो। ये बिल्कुल इसका होम्योपैथी से कोई लेना देना नहीं है, समझ आ रहा है? इसका तो एक जनरल फीलिंग है ना, तो लेमैन वाली फीलिंग है। होम्योपैथी तो बाद में आएगी ना जब रूब्रिक बनाएंगे इसके, अभी तो समझना है इंसान को। तो इंसान ये इसलिए आया, तो एक तो डिजास्टर इसका हो गया, चिल्ड्रन एंजाइटी हो गई, सुपरस्टिशियस हो गई क्योंकि माँ को था फियर, सुपरस्टिशन भी हो गया। और अब इसकी माँ को मरे हुए तो लगभग 10-12 दिन हो चुके हैं ना, तो उस वजह से तो आई नहीं है ये, रो भी 10-12 दिनों से रही है ये, उस रोना भी रुकवाने नहीं आई है, तो ये अब अचानक क्यों आई है? अचानक वर्ड क्या है, क्या है वर्ड? अचानक आई है ना अब ये जी, रात से ऐसे होने लगा। समझ आ रहा पॉइंट? यस सर। 12 दिन में इसने कोई एक्शन नहीं लिया, शौक पहले भी था, सब कुछ था ना सारा, भूख भी मर रही थी, नींद नहीं आ रही थी, घबराहट हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, पर इसने, इसको कभी नहीं लगा कि मुझको दवाई लेनी चाहिए। समझ आ गया पॉइंट? यस सर। तो रात से क्या हुआ अचानक? तो इसका मतलब है कि ये श्रीकिंग हेल्प फॉर जंप फ्रॉम द बेड सडनली, जैसे नींद से जागती है ना बिस्तर से, अब ये हो गया, अब तो मुझे लेना ही पड़ेगा, नहीं लिया तो सब खत्म। वो सिटिंग बैंड वाला रूब्रिक किसी ने लिया है, पर वो सिटिंग बैंड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपको अगर रेस्टॉक्स का पता लग गया तो आप जो हमने रूब्रिक पढ़ा रखे हैं आपको वो सारे उसमें फिट कर दो, ऐसा नहीं करना होता है। जो इंसान मरीज सामने है हमें उसको देखना है, उसके बाद रूब्रिक में फिट करना है उसको, ऐसा नहीं है कि जो हमें आते हैं उनको मरीज में फिट करना है, तो उससे तो कुछ होगा नहीं, आप करते रहो मरीज तो सही नहीं होगा। तो वो जो बता रहा था सिटिंग बैंड वो ठीक नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं इसको सही करके ही छोड़ूंगी, हार्ट अटैक नहीं होने दूंगी, तभी तो हुआ ना कि सिटिंग बैंड में एंजाइटी, अगर मैं झुक गई तो मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं कहा उसने, उसको तो हार्ट की समस्या का शक होने पर, शक ही तो हुआ है ना, अभी हुआ तो है नहीं हार्ट अटैक, उसको शक होते ही वो अलर्ट हुई है। समझ आ गया कि अब कुछ मिलना चाहिए ताकि ये अवॉइड हो सके, नहीं तो सब खत्म। सिर्फ इतना सा फीलिंग है इसकी, आया समझ में कुछ नहीं? यस सर। तो इसलिए ये रूब्रिक बना, वो श्रीकिंग हेल्प फॉर जंप्स फ्रॉम स्लीप फ्रॉम बेड सडनली, वहां रस्टॉक्स है, तो ये सारा मिलके रस्टॉक्स मैंने इसको दवाई दी थी। तो ये कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आया नहीं आया? तो आसान है वो, इसका मतलब माइंड का सिम्टम अगर आपको समझ आता है तो प्रिस्क्रिप्शन देना आसान होता है। अब इसका हम रिजल्ट भी देखें या इसी में कुछ पूछना है आपको अभी? सर अभी लास्ट जो रूब्रिक बताया एक बार फिर से बोलिए ना सर। अभी वो आगे बताएंगे, बहुत सारे मैं सब दिखाऊंगा, अभी जो कुछ मैंने आपको समझाया है वो वीडियो में भी बना के मैंने समझा रखा है, वो भी अभी सुनवा दूंगा मैं अभी आपको। पर बेसिक क्या है इसका? फियर डिजास्टर ऑफ श्रीकिंग हेल फॉर सडनली जंप्स फ्रॉम स्लीप जंप्स फ्रॉम बेड, ऐसे है कुछ, ठीक है, वो है एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट फियर सुपरस्टिशियस, ये कुछ रूब्रिक हैं, पर मेन जो है डिजास्टर और चिल्ड्रन है और श्रीकिंग हेल्प वाला है, ठीक, आगे समझ में? क्योंकि बेड से जंप कौन करेगा? आप बेड से जंप क्यों करते हो? मान लो सुबह सुबह आप बिस्तर में लेटे हो, आप अपनी जो जिंदगी है उसमें भी तो सारी घटनाएं रोज होती हैं आपके साथ, रोज नहीं होती तो कभी कभी तो होती है, तो आपको मालूम होता है कि ऐसे में हम कैसे रिएक्ट करते हैं। होम्योपैथी तो दुनियादारी है, कोई मेडिकल साइंस वैसी वाली तो नहीं है, ये जो लैब में टेस्ट होती है वो वाली तो नहीं है ना, ये
ये तो आपकी अपनी डे टू डे लाइफ में जो घटनाएं होती हैं उनसे सीखा जाता है। अब मान लो आप बिस्तर में पड़े हो, आलस में पड़े हो, समझ आ रहा पॉइंट? तो आपका उठने का मन नहीं हो रहा, आलस में आ रहा है या मजा आ रहा है खूब अच्छे से, ठंड की वजह से या नींद ज्यादा आ रही है या थकान है या आपको टीवी देखने में मजा आ रहा है या, तो आप उसमें स्थिति में आराम से पड़े हो, समझ आ रहा पॉइंट? अब अचानक आपको ध्यान आता है, अरे 10 मिनट रह गए बच्चे के, नहीं तो अगर मैं नहीं उठी, खाना नहीं बनाया या फलाना नहीं किया तो बच्चे की बस छूट जाएगी। ये ख्याल आते ही कि 10 मिनट रह गए अब, नहीं तो गया, नहीं तो बस छूटी, तुरंत आप बिस्तर से उठ के भागते, चाहे आपको थकान है कुछ है, सब पीछे छूट जाता है, नहीं छूट जाता। तो आदमी बिस्तर से जंप तब करता है जब बात सर पे आ जाती है कि अब नहीं करा तो सब खत्म, समझ आ रहा पॉइंट? तो ये रूब्रिक जुड़ गए ना फिर आपस में एक दूसरे से। तो जंप करने के लिए अर्जेंसी होती है, तो यहां अर्जेंसी है इसलिए जंप करके वो मेरे पास आई है कि अब फटाफट दवाई ली जाए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, नहीं ली तो। पॉइंट समझ आ गया? नहीं आ रहा? यस सर, यस सर। तो अब रस्टॉक्स को जो ये सिटिंग बेंट वाला रूब्रिक ले लेके तुम लगाते रहते हो, उससे आगे भी तो कुछ होती है दुनियादारी, या एक ही जगह के रूब्रिक में घुस जाते हम लोग? उसमें नहीं घुसना होता ना, एक में तो अपनी अकल लगानी होती है। जो मेंटर बता रहे हैं वो सिर्फ इंडिकेशंस होते हैं, उसके बाद तो आपको अपनी ही अकल से चीजों को समझना होता है, ठीक है? नहीं जी सर। तो अभी इसका फॉलो अप देखें या कुछ और करें? यस सर, फॉलो अप देखे ना। तो इसको यहाँ शेयर स्क्रीन है, यहां से करूं? हाँ सर। वीडियो ये नंबर 3 सुन लिया ना हमने? टॉक्स होगी तुम्हारे पास? कौन सी? रस्टॉक्स, RHUS। हाँ जी होगी, होगी ना। अभी एक तो रस्टॉक्स दे दो पहले, एक दो, ठीक है, एक दो दे दो, पांच नहीं लगे, 5 मिनट 10 मिनट में दोबारा दे दो, फिर दोबारा दे दो, मतलब 3-4 बार भी दे सकते हैं अभी, और फिर मुझको देख लेना, इनको जरूरत लगे 12 बजे बता देना, नहीं तो शाम को बता देना, ठीक है? एक तो ठीक है, अभी बता देना, ठीक है, क्योंकि ठीक है 12:15 तक कर लेना इस काम को, जो भी मैं कर लूंगा 1200, मतलब बता ही देना पक्का जैसा, ठीक आ गया ना? ये इसको बता दिया मैंने दवाई का नाम इसके पति को, और ये अभी इसको हार्डली 1.5-2 घंटे के बाद ही, मैंने कहा ना 12 बजे तक बता देना, मतलब लगभग 1 घंटे के बाद ही पक्का, नहीं तो कुछ और करेंगे अब। तो इतनी जल्दी कोई एलोपैथ भी मेरे को नहीं लगता कि कोई पूछता होगा, और होम्योपैथ तो बिल्कुल नहीं पूछता है कि 2 घंटे बाद बता देना मुझे या 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद बताना, नहीं पूछता ना, नॉर्मली नहीं पूछते। अभी मैं शायद कुछ थोड़ा बहुत अपना लेक्चर झाड़ रहा हूँ, जरा जिसको भी सुन लो क्या कहते हैं। वो आपने सुन लिया, अब अगर हम इसको देखें तो कितनी भयानक स्थिति में है ये। भयानक किस सेंस में है कि आप खुद देख रहे हो कितनी घबराई हुई है, कितनी रोई हुई है, हार्ट तक पे इसका इफेक्ट आ चुका है। तो अब हमारी दवाई के 2 घंटे के बाद क्या असर हुआ, अब आप वो फॉलो अप सुनिए, आप सुनिए। हेलो, हेलो, हाँ बताओ जी डॉक्टर, जय श्री माता दी, फोन कर रहा था। हाँ जी, अब बताओ क्या कहना चाहती हो डॉक्टर? पहले से तो बेटर फील हो रहा है, अभी तो आवाज भी बदली हुई आपकी है ना? हाँ, वो एकदम से चेंज आ गया, काफी चेंज आ गया। अब आप इसकी आवाज में कुछ बदलाव देख रहे हो? हाँ सर, यस सर। अभी ये नॉर्मल बात हुई है, पहले फूट फूट के रो रही थी, और इसका रोना 10-15 दिन से, जब से माँ मरी है जब से चालू था, 1 घंटा 10 मिनट में ये बदलाव इसमें आ गया है, ठीक है? उसने क्या कहा है, पहले से तो काफी अच्छा महसूस हो रहा है, काफी ज्यादा अच्छा बदलाव आ गया,
फिर तीसरी बार का एकदम से काफी ज्यादा बदलाव आ गया। तो ये तीन बार कहने का क्या मतलब होता है कि मरीज अंदर तक उसकी आत्मा तक प्रसन्न हो गया, ये मतलब करने पे दिल नहीं कर रहा था, हाथ मतलब दिल ही नहीं कर रहा था। पहले तुम्हारा वो हार्ट वर्ट का भी कुछ कह रही थी, हार्ट पे आ जाएगा ये वो जो भी, हार्ट में पेन सा हो रहा था मुझे। हाँ वो भी नहीं, अब मतलब आप काफी कंफर्टेबल फील कर रही हो। हाँ जी, तो ये पहले रोज में फर्क आ गया, आ जाता ना ठीक है। ये शौक दिमाग में रह गया तो फिर ये आपको बहुत दुखी करेगा, डिप्रेशन में डाल देगा। आपने खुद देखा कि इस फॉलोअप में रोगी क्या कह रहा है, कितना बदलाव है, जैसे पूरी दुनिया बदल चुकी है उसकी। तो ये है सुपर फास्ट होम्योपैथी। क्यों है सुपर फास्ट? क्योंकि ये सिमिलिमम मैच हुआ है, 100% मैचिंग ऑफ द सिमिलिमम है ये, इसलिए ये रिजल्ट है। तो ऐसी पैथी आपको सीखने के लिए एडवाइज है, ठीक है। अभी इसका आगे का पार्ट देखते हैं, मैं इसको रूब्रिक की कोई पूछ रहा था रूब्रिक के लिए, थोड़ा वो देखते हैं। हालांकि आपने देखा ना रूब्रिक मैंने नहीं लिए थे, ऐसी दवाई बताई थी ना उसको, नहीं सुनाई दे रही मेरी आवाज? जी सर सुनाई दे रही, सुनाई दे रही, सबको म्यूट कर रखा है सर। अच्छा ठीक है ठीक है, तो इसलिए उस टाइम तो रूब्रिक मैंने कुछ नहीं लिए थे, ठीक है ना। ऐसी बता देता हूँ मैं दवाई को, क्यों बता देता हूँ क्योंकि मैं पहले से ही दवाई का जो एक पर्सनैलिटी है, पूरी पर्सनैलिटी उसको पहले समझ के रखता हूँ। तो ये नहीं है कि केस आएगा फिर मैं समझूंगा, तो अब पर तुम्हें समझाना है इसलिए मुझको रूब्रिक तो लिखने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं आपको ये रूब्रिक दिखा रहा हूँ। पर केस लेते समय मैंने नहीं लिए थे, पर आपको समझाने के लिए ये रूब्रिक लिए है, तो इनको आप देख लो। फॉलोअप भी आपने देख लिया, मेरी सलाह भी सुन ली, तो मैं अभी आपको रूब्रिक बताता हूं जो मैंने इस केस में लिए हैं। हालांकि आपने देख लिया कि मैंने जैसे जैसे मरीज की बातचीत होती गई मैंने तुरंत ही उसको दवाई बता दी थी, इसी से आप समझ गए होंगे कि मैंने रूब्रिक कुछ नहीं लिए, वो मैं कभी भी नहीं लेता हूं, क्योंकि इन डेप्थ स्टडी मेरी पहले से ही मेडिसिन की होती है, इसलिए जो मरीज कह रहा है उसको मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ। पर वो अवस्था आपके पास नहीं है, इसलिए आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है, मेरे अपने लिए नहीं है ये, तो आपको समझाने के लिए मैं रूब्रिकों का सहारा लूँगा, ताकि आप इस केस की गहराई को समझ सको और इस मेडिसिन के आगे आने वाले जो केस हैं उनको पहचान के उन पर प्रिस्क्राइब कर सको, इसलिए रूब्रिक का सहारा लिया जा रहा है। पर आपको अपने आप को इसी तरह विकसित करना है जहां आप रूब्रिक न देखो, मरीज आया दवाई दी खत्म हो गई बात, ऐसा लेवल बनाना होगा आपको। तो ये है रूब्रिक, एनोरेक्सिया मेंटलिस एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट कंपनी अवर्जन टू वीपिंग विद अकेली रस्टॉक्स है डेल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड ड्वेल्स ऑन पास्ट डिस एग्रीएबल ऑक्यूरेंसेस फियर डिजास्टर Fear evil of, fear overpowering, fear superstitious। इसमें पहले अकेली दवाई हुआ करती थी कैंट के जमाने में, अब मुझे नहीं पता उन्होंने कितनी सारी जोड़ दिया, पर उन जोड़ने के पीछे कुछ रेलेवेंस नहीं होता है, जोड़ने का सीधा मतलब है कि उनको समझ कुछ नहीं आ रहा है जो ये जोड़ रहे हैं, बस जोड़ रहे हैं। Inconsolable thinking sad things aggravation of unfortunate feels weeping causeless without knowing why weeping easy weeping involuntarily। अब
तो ये कुछ रूब्रिक हैं, हालांकि इसमें मैंने बता दिए काफी सारे। सर सॉरी सर, फियर डिजास्टर एक बार प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा, कैसे होगा? अभी डिजास्टर्स क्या होते हैं? एक होते हैं ना कोई सुनामी आई, इट वाज ए डिजास्टर, ठीक है। बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है जिसमें हजारों मकान गिर जाते हैं, लोग मारे जाते हैं, सब तहस नहस हो जाता है, तो वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, डिजास्टर। कोरोना अभी आया था तो हमारे पास एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम बनी थी ना, तो जो काम कर रही थी पूरे उसमें, तो वो एक एक ये बीमारी जो सब कुछ तहस नहस करती चली जा रही थी, वो डिजास्टर था। इकोनॉमिकल डिजास्टर यानी कोई आपने ऐसा फैसला ले लिया जिससे आपकी सारा पैसा ही मर गया और आप फिर अमीर से बिल्कुल भिखारी की स्थिति में आ गए, तो वो जिस घटना से हुआ वो क्या हुआ आपके लिए, एक डिजास्टर हुआ। तो डिजास्टर एक ऐसी चीज होती है जहां आपका बहुत कुछ नष्ट हो जाता है और वो सडनली होता है, नॉर्मल, वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। ना सुनामी कंट्रोल में थी, ना अर्थक्वेक कंट्रोल में होता है, ना आपके ये कोरोना कंट्रोल में था, ना इकोनॉमिकल डिस्ट्रक्शन कंट्रोल में होता है, ऐसे कुछ भी। जैसे रेल एक्सीडेंट, इट वाज ए ग्रेट डिजास्टर, समझ आ गया, जो बहुत सारा 3-4 ट्रेन आपस में टकराई, तो जो बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, सडनली आता है और उसका इम्पैक्ट आपकी जिंदगी में बहुत देर तक रहता है, वो आपको कपाता रहता है बिल्कुल। तो अब एक आम इंसान है, जैसे मान लो ये महिला है, तो इसकी अगर कोई दुनिया है तो क्या है, मायका और ससुराल। तो अब मायका तो खत्म हो गया, आधा आधा खत्म हो गया, तो अभी आधा ससुराल वाला पार्ट इसके पास बचा हुआ है, तो उसको ये बचा के रखना चाहती है। पर अगर इसको कुछ हो गया, क्योंकि हर्ट जैसे सिम्टम आने लगे हैं कि हार्ट की समस्या उसको महसूस होने लगी है कि जैसे मेरे अंदर हार्ट की बीमारी हो गई है और मेरी भी हालत खराब हो जाएगी, तो मेरे बच्चों का कौन देखेगा, ये तो एक तो ऑटिज्म का है, दूसरी ट्रांसजेंडर है, तो दो ही तो बच्चे हैं, दोनों ही बेकार हैं, उन्हीं को देखभाल ये करती है, तो ये तो मेरी तो ये दुनिया भी सारी खत्म हो जाएगी, सब कुछ, मतलब इसकी जिंदगी में फिर ऐसा कुछ बचेगा नहीं, समझ आ गया। जैसे अर्थक्वेक आया तो हजारों मकान गिर गए, या उनमें से परिवार के 4 सदस्य मर गए, 2 मर गए, या पूरा मकान गिर गया। अब वो जो पहले जिस ढंग से रहते थे, आज तो बिल्कुल उससे एकदम लो लेवल पे आ गए हैं वो, यानी दुख ही दुख क्रिएट कर दिया, डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया। तो ये इसका पूरा जीवन, तो पूरी दुनिया समझ लीजिए जो बच्चों और मायके के साथ थी, अगर इसको हर्ट हुआ और बच्चों को संभालने लायक ही ना बची, तो सब खत्म हो गया उसका, तो ये डिजास्टर है। तो ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बच्चों के साथ ही हो। आपका मान लो सारा बिजनेस, जो बहुत अच्छे आप मर्सिडीज में चलने वाले लोग हैं, अगर किसी वजह से उसको कुछ ऐसा, अब सपोज हमारे, अब मैं राजनीतिक उदाहरण देता हूँ, मान लो अरविंद केजरीवाल हमारा दिल्ली का मुख्यमंत्री है, अब उसका मनीष सिसोदिया, कहाँ वो चीफ मिनिस्टर रहा और अब वो जेल में सड़ रहा है, ऐसे उनका दूसरा मिनिस्टर सत्येंद्र वाला, वो जेल में सड़ रहा है, अब ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए, तो इनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा, कहाँ एक मिनिस्टर और कहाँ एक कैदी जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, जो हाथ जोड़ जोड़ के पानी मांग रहा है, तो ये इसके लिए एक डिजास्टर है जिसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई है और अभी उनको कोई उम्मीद भी नहीं है कि हम बाहर आ जाएंगे। तो यानी एकदम बिल्कुल लाइफ डिस्ट्रक्शन की तरफ चली जाती है, जहां रिकवरी की संभावना भी कम होती है, समझ आ गया पॉइंट ऑफ डिजास्टर का, नहीं आया सर? जी कुछ सर। कुछ तो समझ आया, बाकी तो आप अपनी लाइफ में एग्जांपल ढूंढोगे कैसे, मान लो पूरा शहर ही आपका तबाह हो गया, घर में कोई गैस सिलेंडर फट गया, सारा घर तबाह हो गया, तो ये क्या है आपके लिए, डिजास्टर है। फिर
क्योंकि उसके बाद तो आपको तिनके बिनके संभाला, पूरे घर का ताना बाना संभाल के उसी जगह से खड़ा करना तो पॉसिबल नहीं है अब आपके लिए। अब आपको तो खराब जिंदगी जीनी पड़ेगी, तो ये आपका डिजास्टर हुआ। समझ आ गया पॉइंट? ये सर तो ये फियर है ना कि अब हो ना जाए ऐसा, और जो हो चुका है डिस्ट्रक्शन वहां भी लेंगे क्या? वहां भी लेंगे, क्योंकि अगर आप अगर देखो जिस इलाके में ये डिजास्टर आपको एक सुनामी उनामी आते हैं तो उनको तो सपने में भी नींद नहीं आती, वो तो जरा जागते हुए भी वो अगर पृथ्वी जरा से भी कोई ट्रक भी या पास से गुजर जाए उसका भी झटका लगे तब भी वो तो अंदर कांप उठते हैं कि वैसा ही ना हो जाए द्वारा। तो वो याद तो द्वारा बनी रहती है, तभी तो फियर डिसएग्रीबल ऑक्यूरेंसेस के बनी रहती है उसको याद जी। तो फियर भविष्य की घटना होती है। मान लो अब आपको डर क्यों लगता है, पहला सवाल तो होगा तो फ्यूचर में ना वो, पर डर तो आज ही लग रहा है आपको। हाँ। प्रेजेंट में लग रहा है और होना फ्यूचर में घटना को, तो फिर प्रेजेंट में डर क्यों लग रहा है सवाल उठता है। बात समझ आ रही है? नहीं जी सर। तो घटना फ्यूचर में घटेगी, महसूस प्रेजेंट में हो रहा है उसका इफेक्ट, क्योंकि आपने या तो वैसी ही घटना अपने साथ घटती हुई देखी है पुराने समय में, या किसी और के साथ घटती हुई देखी है, तो आपको वो सोच के डर लगता है। समझ आ रहा पॉइंट? जैसे आपके बच्चा अगर होगा वो जलती मोमबत्ती को छू लेता है ना, प्लग में उंगली डाल देता है, पर आप नहीं डाल सकते क्योंकि आपको, चाहे आपको जिंदगी में कभी भी झटका नहीं लगा पर आपको मालूम है कि इसमें उंगली डाली और मैं गई, तो वो तो फ्यूचर में होगा ना, मैं गई। गई का मतलब वो दिमाग में इम्पैक्ट है आपके कि वैसा हो जाएगा, तो फ्यूचर की बात हुई ना फिर जी सर। तो पर याद यानी फियर हमेशा पुरानी घटना या जो आपने ऑलरेडी देखी है अपने या दूसरों के साथ उसकी मेमोरी होती है आपके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तब आपको डर लग सकता है। आपको नई चीज से डर नहीं लगता है। मान लो आपके पास एक बहुत सुंदर सा खिलौना, जैसे अब आतंकवादी हम बम विस्फोट करते हैं ना, तो वो क्या करते थे, आजकल तो शायद ऐसा नहीं करते हैं, पहले जो करते थे कि कोई टॉय में रख लिया, कोई ब्रीफ केस रख दिया, कोई पर्स छोड़ दिया, कोई मोटरसाइकिल छोड़ दी, ऐसी करते थे ना वो। अब आपने देखा भी ये तो पर्स लावारिस पड़ा है, इसमें माल होगा, आपने उठाया और फट गया। समझ आ गया पॉइंट? तो फिर क्योंकि आपको मालूम नहीं था इस पर्स में बम है, आपके लिए वो पर्स था सेफ चीज थी, अब आपका वो बम फट गया, तो वो समाचार अगर पूरे देश में पहुंचेगा, जो जो इसको सुनेगा, तो अगर हीरो से बड़ा हुआ पर्स भी कहीं सड़क पे पड़ा होगा तो कोई नहीं छुएगा उसको, अब उसमें तो बम नहीं है। पर अब वो बम की याद, जो इतना भयानक हादसा हुआ, वो उसके दिमाग में है कि ये भी वैसा ही ना हो, तो फियर सुपरस्टिशियस भी हो गया, डिजास्टर भी हो गया, तो ये जुड़े होते हैं। समझ आ गया? कुछ नहीं जी सर। थैंक यू सर। तो ऐसे ही हम अपने जिंदगी में देखेंगे, जरूरी नहीं है ना बीमारी से ही जुड़ा हो कोई चीज। अब मान लो उसकी एक ही नौकरी है, उसी से सारा घर खर्च चलता है, अकेला कमाने वाला है, अब उसको डर बना रहता है कि ये नौकरी ना छूट जाए, अगर नौकरी छूट गई तो फिर क्या हुआ, फिर तो सब खत्म, फिर कहाँ से बच्चे खाएंगे, कहाँ से पढ़ने जाएंगे, अब तो पागल हो जाएगा ना सोचते ही, नौकरी छूटी नहीं है अभी, लेकिन कोई साइन है कि खतरा है कहीं ना कहीं। समझ आ रहा पॉइंट? यस सर। इसलिए वो फियर डिजास्टर होगा, डिजास्टर हुआ नहीं है अभी। आ गया समझ में? जी सर। तो होना हमेशा फियर आगे का ही है, पर वो आपके दिमाग में उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी होता है, आपने वो एक्सपीरियंस किया होता है अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर। ठीक है जी सर। कुछ समझ आ गया? इसको इम्प्रेशनेबल कैसे डिफरेंशिएट कर सकते सर? किससे क्या? इम्प्रेशनेबल सर। अरे भाई आपके दिमाग में इम्प्रेशन पड़ गया कि भाई अमिताभ बच्चन बड़ा अच्छा आदमी है, ऐसे चलता है, ऐसे लड़कियां मरती हैं शाहरुख के ऊपर वाला, अब आप वैसे शाहरुख बनना चाहते हो,
बाल बढ़ा लिया, ये करके बात करने लग गए, तो ये इम्प्रेशनेबल हुआ, इम्प्रेशन आ गया उसकी पर्सनैलिटी का आपके ऊपर, एक इम्प्रेशन छोड़ दिया। मान लो एक स्टैंप लगाते हो ना पेपर के ऊपर, उसका स्टैंप का इम्प्रेशन पेपर पे आ गया है, वहां से कुछ तहस नहस नहीं हुआ है, समझ आ रहा पॉइंट, प्रभावित हुई है वो, जो वैसा था वही छाप आपके मन पे भी पड़ गई है, तो वो दूसरों की छाप को ले लेता है, पर जरूरी नहीं है कि वो डरे, वो अच्छी छाप भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, पर वो प्रभावित हो गया उन चीजों से, समझ आया पॉइंट, नहीं अंतर हो गया ना बहुत ज्यादा, नहीं ऐसे सर ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ा है। हेलो सर। हाँ हाँ सर, इसमें फियर एविल ऑफ आपने लिया तो पेशेंट की मदर को जो हुआ था उसको सोच सोच के पेशेंट को भी लग रहा है कि मुझे भी ऐसा हो जाएगा, इसलिए सोच सोच के नहीं लग रहा, आप बात को सुनते नहीं हैं। जी सर, ऐसे क्यों आया फिर उसमें फियर एविल ऑफ, मतलब उसको कैसे लेंगे ये भी बताइए। एविल ऑफ, एविल ऑफ, एविल ऑफ, फियर एविल ऑफ, इविल क्या होता है, मतलब बुरा हो जाना, अब एक जिसका डिजास्टर है, इविल माने कोई बहुत खतरनाक, कोई बेकार जो आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है, वही तो इविल घटना होती है, तो अगर उसको ये कोई चीज सारी दुनिया ही नष्ट हो रही है तो उसके भाई बचा के तो इविल ले लो, नहीं लो वो तो सारे इनके मतलब तो एक ही है ना कि कुछ खतरनाक उसके पास होने वाला है, तो जरूरी नहीं है, माँ से कोई लेना देना इसका नहीं है, जब से उसको दर्द होना चालू हुआ है, जब से उसको है कि अब गड़बड़ हुआ, समझ आए, वो है ये चीज, तो आपको नहीं भी लोगे टोटल फील पता होनी चाहिए दवाई की, बस ठीक है। अभी मैं जल्दी जल्दी सुनवा देता हूँ, मेरे मरीजों के फोन आ रहे हैं, अब जी सर, जी सर। काम नहीं कर सकते क्योंकि मुझे अगर आपको सुनना है तो, हालांकि वैसे मैंने समझा दिया है आपको सब कुछ, कुछ बचे इसके लिए कितना शेड्यूल रीशेड्यूल करना पड़ता है प्रोग्राम इसको। अभी ये भाई साहब पूछ रहे हैं, रूपाली पटेल, फियर मिस फॉर्चून नहीं ले सकते क्या, आप थोड़ी अपनी भी समझ लगाओ ना, मिस फॉर्चून क्या होता है, मिस माने क्या होता है, मिस्टेक, मिस फायर, मिसअंडरस्टूड, मिस स्पेल, ऐसे होता है ना, मिस माने कुछ गलत हो गया है, जैसा सही होना चाहिए था, यानी फॉर्चून, यानी फॉर्चून और मिस, फॉर्चून मिस हो गया, यही तो हुआ ना, exactly. तो फॉर्चून क्या होता है कि आप मिट्टी में हाथ डालो तो सोना बन जाता है, ऐसे होता है ना लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये तो बड़ा किस्मत वाला है कि मिट्टी में भी हाथ डाले तो सोना बन जाती है, तो वो फॉर्चुनेट लोग होते हैं जिनको सब कुछ बना बनाया मिलता है। मिस फॉर्चुनेट का मतलब होता है कि वो उलट होगा उसका, मतलब आप ये अभी उठती हुई शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो वो जीरो मार्केट तभी से डाउन जाने लग गई, तो क्या कहोगे आप, मिस फॉर्चुनेट है, तो जहां जाती हूँ वहीं गड़बड़ हो जाती है, जिस काम में हाथ डालते हैं वही लॉस हो जाता है, जिसकी अच्छाई करो वही बुराई हो जाती है, तो ये मिस फॉर्चून होते हैं सारे, समझ आ गया, समझ आ गया ना, फॉर्चून मिस फॉर्चून ऐसे समझना होता है, अनफॉर्चुनेट मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होता ही नहीं है, सब मुझे तो बहुत मेहनत से ही कमाना पड़ता है, तो यानी किस्मत से कुछ नहीं मिलता, मेहनत से कमाते हैं, यहाँ क्या है आपने मेहनत भी करी तो कमा नहीं रहे, उल्टा हो रहा है, तो मिस हो गया, समझ आ रहा पॉइंट, फॉर्चून वाले को बिना कुछ करो करते हो उल्टा भी हो गया तो अभी उसका फायदा हो गया, अभी घटना ऐसी उसके फेवर में चली गई, लेट हो गया ऑफिस जाने के लिए, बजाय ऑफिस से डांट खाने के पता लगा उस दिन बॉस ही नहीं आया, तो फॉर्चुनेट हो गया, आगे समझ में, मान लो आप सही टाइम पे ऑफिस पहुंचे और बॉस उस दिन 10 मिनट पहले आके बैठा हुआ है, इंतजार में कि आपसे काम देना था, आप तो 2 मिनट लेट हुए, बॉस 10 मिनट से आते ही डांट पड़ने चालू हो गई जबकि आपका कोई कसूर नहीं, आगे समझ में, तो ये क्या हो गया, ये मिस फॉर्चून हो गया, तो मिस फॉर्चून, अनफॉर्चुनेट और फॉर्चुनेट, तीन होते ना ये जी, ऐसे समझना होता है, तो खुद ही कॉमन सेंस की बात है, चलो बंद करते हैं, बहुत देर हो चुकी है, जी सर, जी थैंक यू वेरी मच सर, सर आपको हमेशा सुनने का मन करता है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, चलो सर बात मानने के लिए, और दोबारा मैं आपसे फिर से विनती करूंगा जब भी समय मिलेगा सर,
आपको बार बार फोन करता होगा सर, उस टाइम देखते हैं, चलो कोई नहीं। जी सर, जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑडियंस फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, और सर आप ईश्वर आपको लंबी आयु दे सर, और आप भी पढ़ाए, मतलब ही दुआ कर रहे सर आपको, थैंक यू वेरी मच, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, चलो मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।